सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट क्या है, क्या करें हम जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे एसएससी बैंक्स, उनके लिए क्या है वो, क्या करें आगे का स्टेप्स क्या है, कब से सीईटी लागू होगा, कब से इसके एग्जाम होंगे, इसके ड्यूरेशन अर्थात कितने दिन इसका पीरियड मिलेगा, कितने टाइम्स की वैलिडिटी होगी, सारी इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देख रहे हैं योर ओपिनियंस ऑलवेज ट्रू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए हम बात करते हैं ये सीईटी क्या है। गवर्नमेंट ने बजट 2020 के लिए पेश किया, उसमें उन्होंने सीईटी का ऐलान किया। सीईटी का ये ऐलान गवर्नमेंट करीबन 2 साल पहले से ही कर रही है कि वन नेशन वन एग्जाम होगा, सारे पोस्टेज इसी के थ्रू भरे जाएंगे, वो बार बार एग्जाम्स लेने इस झंझट से मुक्ति करना चाहते हैं। गवर्नमेंट यानी अपना भार कम करना चाहती है और इस सब में वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, लेकिन स्टूडेंट को तो दिक्कत होगी ना अचानक ही सिलेबस चेंज होना, इसके सिलेबस क्या असर आ सकते हैं। गवर्नमेंट इस बारे में भी बात नहीं की है, बस बोला है कि सीईटी होगा इस साल में, कवायद लगाई जा रही है कि स्टार्ट हो सकता है इस साल के अंत तक सीईटी लागू हो जाए। इसके कुछ रूल रेगुलेशन साथ जारी कर दे एडवर्टाइजमेंट, वो बताया कि इस कैसे लेगी क्या करेगी। लेकिन सीईटी के बारे में, सीईटी जो होगा एक एग्जाम होगा, सारे जो नॉन ग्रेजुएट पोस्ट हैं इसी के थ्रू भरे जाएंगे, और इसके ग्रेजुएट लेवल के लिए शायद अलग एग्जाम, उसके लिए उसने कोई बात नहीं किया। अर्थात नॉन ग्रेजुएट के लिए वन एग्जाम होगा, इसका जो सेंटर होगा आपके डिस्ट्रिक्ट में होगा, और इसके लिए वो अलग से एग्जाम एजेंसी के भी गठन करना चाहते। तो पहले वाले क्या एसएससी का क्या होगा, आईबीपीएस क्या होगा जो बैंक के लिए लेता है, जो एग्जाम एजेंसी के पास एनआरए उसका नाम रखी है नेशनल रिक्वायरमेंट्स एजेंसी, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है कि पुरानी एजेंसियों का क्या होगा, वो क्या एग्जाम अच्छी नहीं है, एसएससी जो एग्जाम वो क्या होगा, इसका सिलेबस क्या होगा, सीईटी का कौन एजेंसी होगा इस बारे में भी नहीं, क्या गवर्नमेंट एजेंसी होगी या उसकी खुद या कोई प्राइवेट एजेंसी अलग होगी, इस बारे में गवर्नमेंट ने अभी कुछ नहीं कहा। गवर्नमेंट को इस बारे में बात करनी चाहिए और बोलनी चाहिए कैसे होगा, लेकिन शायद स्टूडेंट को अपने सवालों का जवाब मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट उलझा कर रखी हुई है, इस बारे में गवर्नमेंट ने कोई बातें नहीं किया। लेकिन तब भी आप अंदाजा लगा सकते हैं नॉन ग्रेजुएट पोस्ट के लिए एक एग्जाम हो, सारे कैंडिडेट एक एग्जाम दें, और एक बार अगर पेपर खराब गया तो पूरे वेट करना पड़ेगा आपको फिर 1 साल। लेकिन गवर्नमेंट ये भी नहीं बताया क्या हर एक साल एग्जाम लेगी, ये भी कुछ ने उसने पुष्टि नहीं की है। इसमें कैंडिडेट को प्रॉब्लम तो होना ही है, पहले था हर पोस्ट के लिए अलग एग्जाम, एक पेपर खराब गया अगले पेपर शायद अच्छा चला जाए, लेकिन इस पेपर में तो एक पेपर दिए आपके लिए, उसके अगर वैलिडिटी 2 साल होगी 2 साल एक हर साल होगी गेट की तरह, तो ऐसे होगी जैसे गेट इंजीनियरिंग के लिए होती है, जो बीटेक कैंडिडेट देते हैं 1 साल के उनके कार्ड की वैलिडिटी तो होती है 2-3 साल, लेकिन वो तो हर साल उनको मिलता है, वैसे है सिलेबस क्या है कुछ गवर्नमेंट ने इस बारे में चर्चा ही नहीं की, बस बोल दिया सीईटी लागू होगा इस साल तक, लागू होने का आसार है, देखिए क्या होता है। फिर हम बात कर लेते हैं तो शायद जो इसका सिलेबस हो तो वही एसएससी जैसा हो सकता है। इसके सिलेबस क्या 10 के लिए अलग लेगी एग्जाम, 12 बेसिस पर अलग होगा, ऐसे भी कुछ उसने नहीं किया, बस कहते नॉन ग्रेजुएट्स के लिए होगी सीईटी, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अभी तो इसके ऑफिशियली अलाउंस होने बाकी हैं, क्या होगा कौन एग्जाम कराएगा, इसलिए धैर्य से रहें। आप जो अब रही पुरानी पेपर जैसे हो रही है वैसे तो होगी, जिसके फॉर्म भरा चुके हैं वैसे ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि रेलवे का एग्जाम जो होना है वो सीईटी के थ्रू होगा, ऐसा कुछ नहीं, उसके पहले एडवर्टाइजमेंट है उसी के थ्रू होगा, जैसे जिसकी एग्जाम अगर आरआरसी उसके लिए तो आरआरसी ही कराएगी, तो जो जैसे कराए उसकी मर्जी, लेकिन सीईटी के थ्रू नहीं होगा, इसलिए ज़्यादा टेंशन ना लें ज़्यादा। अब जो अगली एग्जाम है उसके लिए जब सीईटी आएगा उस टाइम से सोचिए कि हाँ अभी उसके बारे में ज़्यादा ना सोचिए और अपने एग्जाम्स पर फोकस करें। हमें उम्मीद है आपकी जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, अगर कुछ पूछना आप कमेंट्स कर सकते हैं, और हम उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगेगी, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।